नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा में आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। संसद के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन। लोकसभा में नियम 193 के तहत कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर भी चर्चा संभव। जननायक जनता पार्टी के 9 दिसंबर को झज्जर में मनाया जाने वाले स्थापना दिवस को लेकर उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि जननायक जनता पार्टी की स्थापना 3 साल पहले जिंद के पांडु पिंडारा की पवित्र धरती पर हुई थी। तीसरा स्थापना दिवस झज्जर में 9 दिसंबर को जन सरोकार दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें जिंद के लोगों की सबसे बड़ी भागीदारी होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि पार्टी के तीसरे स्थापना दिवस पर जिंद के प्रति एक विधानसभा से 20,000 से ज्यादा कार्यकर्ता झज्जर में मनाए जाने वाले जन सरोकार दिवस में पहुंचेंगे। डिप्टी सीएम ने जिंद के विकास को लेकर केवल कई बड़ी घोषणाएं की, बल्कि उन्होंने 2 साल के दौरान जिले में नए विकास कार्यों का ब्यौरा भी रखा। डिप्टी सीएम ने कहा कि पिछले 2 साल कोरोना काल और आंदोलन में बीत गए हैं, लेकिन उन्होंने जिंद के विकास कार्यों की गति में ना तो कमी होने दी है और ना ही कार्यकर्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी आने दी। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के 2 से 19 दिसंबर तक चलने वाले शिल्प और सरस मेले का उद्घाटन शिक्षा मंत्री कल्पना गुर्जर करेंगे। सीएम ने कहा है कि महोत्सव का कार्यक्रम पहली बार आयोजन स्थल ब्रह्म सरोवर से लॉन्च किया जाएगा। इस गीता जयंती का थीम आजादी का अमृत महोत्सव होगा। इसी कड़ी में इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव 2 दिसंबर से शुरू होकर 19 दिसंबर तक चलेगा। मुख्य कार्यक्रम 9 दिसंबर से 14 दिसंबर तक रहेगा। हरियाणा के नवनियुक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने 35वें मुख्य सचिव के तौर पर अपना पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि उनके लिए ये बहुत गौरव की बात है कि वे हरियाणा के मुख्य सचिव के पद पर आसानी से। संजीव कौशल ने कहा है कि आमजन की समस्याओं का त्वरित निपटारण करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलाव और आशंकित कोविड की तीसरी लहर को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। अनिल विज ने सभी जिलों के अधिकारियों को अपने अपने अधिकार क्षेत्रों में कोरोना प्रोटोकॉल के पालन के निर्देश दिए। जिंद में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का आज कई जगह दौरा है। इस दौरान किसानों के विरोध प्रदर्शन का ने ऐलान किया। वही दरौली खेड़ा के बाहर किसानों ने टेंट लगाया है। इस दौरान पुलिस अलर्ट मोड पर है। वही जेजेपी कार्यालय के बाहर पुलिस बल तैनात किए गए। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि आंदोलन का फाइनल मैच चल रहा है, अब सरकार से फाइनल बात होगी। उन्होंने एक बार फिर से गांव के लोगों से तैयार रहने की अपील की। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि आंदोलन चलता रहेगा। किसान नेताओं ने एमएसपी को लेकर एमएसपी अब नहीं तो कभी नहीं का नारा दिया। मानदीप सिंह नथवान की अध्यक्षता में हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा की जत्थेबंदी की मीटिंग हुई है। मीटिंग में हरियाणा के 26 से ज्यादा संगठनों ने हिस्सा लिया और कमेटी की मांग है कि एमएसपी गारंटी पर सरकार बात करे। आंदोलन में शहीद हुए किसानों के लिए मुआवजा और नौकरी दी जाए, साथ ही किसानों के लिए स्मारक बनवाने को लेकर प्रदेश सरकार जगह उपलब्ध कराए। साथ ही आंदोलन के दौरान पुलिस द्वारा जब्त किए गए किसानों के ट्रैक्टर और अन्य वाहनों को भी बिना किसी शर्त रिलीज किया जाए। भिवानी के कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी देने और फसल अवशेष के उचित प्रबंधनों को लेकर कृषि मेले का आयोजन किया गया। हिसार कृषि विश्वविद्यालय से पहुंचे कृषि वैज्ञानिकों ने जिले के करीब 500 किसानों को प्रशिक्षित किया। कृषि मेले में खाद बीज आधुनिक कृषि मंत्र फसल अवशेष का प्रबंधन करने वाले यंत्रों के बारे में जानकारी दी गई। कृषि वैज्ञानिक ने बताया है कि परंपरागत कृषि तकनीकों के अलावा कई तकनीकें अपनाकर किसान अपनी उपज को बढ़ा सकते हैं। पोस्टल विभाग और शिक्षा विभाग ने मिलकर देश के विद्यार्थियों में देश के प्रति रुचि का जागृत करने और विद्यार्थियों में लिखने की रुचि बढ़ाने के लिए विशेष मुहिम शुरू की। मुहिम के तहत 75 लाख पोस्टर कार्ड लिखकर प्रधानमंत्री को भेजे जाएंगे। विभिन्न स्कूलों में प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी, जिसमें से 10 बेस्ट पोस्ट कार्ड सरकार को भेजे जाएंगे। यमुनानगर पहुंचे पोस्टल विभाग के सुप्रिटेंड अरुण गोयल ने बताया कि आजादी के 75वीं वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है।
चौथी कक्षा से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थी इन प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता का विषय 2047 में भारत कैसा होगा और देश की आज़ादी की असली हीरो कौन थे और इन पर विद्यार्थी अपनी राय रखेंगे। यमुनानगर में रैन बसोरा का रियलिटी चेक किया गया। इस दौरान जगाधीर बस स्टैंड, जगाधीर शहर और निरंकारी भवन के सामने स्थित रैन बसेरे खुली हालत में मिले। अंबाला में बीजेपी सांसद रतनलाल कटारिया ने लोकसभा में अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर के शहरी क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए प्रधानमंत्री के फंड आवंटन करने की अपील की। सिरसा से बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल ने रेल मंत्री से अपने क्षेत्र के 4 स्टेशनों के लिए रेलगाड़ियों के संचालन को दोबारा से जारी करने की कहा। केंद्रीय आवास शहर राज्य मंत्री कौशल किशोर ने किसान आंदोलन समाप्त करने पर विपक्ष पर साधा निशाना, कहा कि विपक्ष खुद को ठगा महसूस कर रही है। जहर मुक्त खेती करने के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से किसानों की लिस्ट बनाई जा रही है ताकि खतरनाक बीमारियों से बचा जा सके। इसके लिए जिले में ऑर्गेनिक और जहर मुक्त खेती करने वाले 82 किसानों को चिन्हित किया गया है। सभी 82 किसानों के लिस्ट मुख्यालय में भेजी जाएगी। किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। वही किसानों को ट्रेनिंग देने के साथ साथ उन्नत जहर मुक्त खेती करने के कार्यक्रम निर्धारित किए जाएंगे। चरखी दादरी जिले के कस्बा बारडा के पास सीएम फ्लाइंग ने छापेमार कार्रवाई की और अवैध लकड़ियों का स्टॉक बरामद किया। सीएम फ्लाइंग ने गुप्त सूचना के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि वन विभाग के अधिकारियों की पैमाइश के अनुसार 77 हरे पेड़ों की लकड़ियां हैं और अवैध रूप से काटी गई है। बीजेपी आईटी और सोशल मीडिया टीम की ओर से मजबूत करने की कवायद संगठन ने शुरू कर दी। इसी कड़ी में प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की अध्यक्षता में कार्यशाला का आयोजन किया गया। ओपी धनखड़ ने कहा है कि इस कार्यशाला का मकसद सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई गई अफवाहों को रोकना और सही जानकारी लोगों तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा है कि जो प्रचार डोर टू डोर अब तक पार्टी कर रही थी उसके साथ साथ सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करेंगे। बल्लभगढ़ में जनता कॉलोनी में इंटरलॉकिंग और डायल लगाने के कार्य का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के बड़े भाई टिपर चंद्र शर्मा ने किया। करीब 14 लाख की लागत से तैयार किए जाने वाले ये कार्य जल्द पूरे हो जाएंगे। इस मौके पर कॉलोनी के मुख्य लोगों के हाथों में नारियल तुड़वा कर कार्य का मुहूर्त किया गया। रेवाड़ी में जाम से निजात पाने के लिए 5 किलोमीटर लंबे सर्कुलर रोड और ट्रायल बस पर बैन किया गया। वन वे करने को लेकर वाहन चालकों के मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। अधिकांश वाहन चालकों ने कहा कि वन वे से जाम से निजात मिलेगी। ऑटो चालकों ने कहा कि वन वे से आर्थिक नुकसान भी होगा। ग्रामीणों में सड़कों के किनारे ग्रीन बेल्ट पर हुए कब्जे को जल्द ही GMDA मुक्त कराए, इसको लेकर भी MB की तरफ से योजना तैयार कर ली गई है। कनीना में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारों को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा जन जागरण यात्रा निकाली गई और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर फरीदाबाद के CMO डॉक्टर विनय गुप्ता ने कहा कि विदेशों से आने वाले नागरिकों पर खास नजर रखी जाएगी। साथ ही माइक्रो टेस्टिंग और वैक्सीनेशन की स्पीड को भी बढ़ाया जाएगा। विदेशों से आने वाले नागरिक का एयरपोर्ट पर ही RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। ओमिक्रॉन वेरिएंट पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया राज्यों के साथ तैयारियों पर समीक्षा बैठक करेंगे। इसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी शामिल होंगे। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,765 केसेस सामने आए और 400 से भी ज्यादा मरीजों की मौत हुई। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 718 नए केसेस सामने आए, इस दरमियान 11 लोगों की मौत। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 322 नए केसेस सामने आए, इस दौरान 2 की मौत हुई। भारत सरकार ने बताया है कि लखनऊ को छोड़कर देश के कई एयरपोर्ट्स पर कुल 11 अंतर्राष्ट्रीय उड़ान जोखिम वाले देशों से आई है। सभी यात्रियों का RT-PCR टेस्ट किया जा रहा है, जिसमें केवल 6 यात्री कोरोना संक्रमित पॉजिटिव पाए गए।
सरकार ने बताया कि पॉजिटिव यात्रियों के सैंपल संपूर्ण जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया गया है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के सामने आने के बाद वैश्विक रूप से इस पर ध्यान आकर्षित हुआ है और WHO क्षेत्र के कम से कम 23 देशों ने अब ओमिक्रॉन के केस की जानकारी दी है। दक्षिण कोरिया में ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। 5 अंतर्राष्ट्रीय यात्री इस नए वेरिएंट से संक्रमित पाए गए। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आया। अफ्रीका का सबसे अधिक आबादी वाला देश नाइजीरिया में ओमिक्रॉन का पहला केस सामने आया। ब्राजील ने लैटिन अमेरिका के पहले 2 ओमिक्रॉन मामले की पुष्टि की। यूनाइटेड किंगडम में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 22 केसेस सामने आए। ब्रिटेन में ये वेरिएंट तेजी से पैर पसार रहा है। ओमिक्रॉन को लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने देशवासियों से सावधान रहने की अपील की। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि कोरोना के इस वेरिएंट से बचाव की हर संभव कोशिश की जा रही है। उन्होंने लोगों से कोरोना गाइडलाइंस की पालना करने की अपील की। दक्षिण अफ्रीका से लौटे एक व्यक्ति में ओमिक्रॉन के लक्षण पाए गए। अमेरिका में ओमिक्रॉन का यह पहला केस सामने आया। वही अमेरिका में ओमिक्रॉन का पहला केस सामने आने के बाद व्हाइट हाउस से एक बार में अमेरिकियों से कोविड वैक्सीन और बूस्टर डोज लेने की अपील की गई। आंध्र प्रदेश और ओडिशा में चक्रवाती तूफान जुवात का खतरा मंडराने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार सुबह तक आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटवर्ती इलाकों में चक्रवाती तूफान जबरदस्त देखने को मिल सकता है। वही मौसम विभाग ने 3 दिसंबर से ओडिशा के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी भी जाहिर की है। रेड अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण ओडिशा के जिलों में भी 3 दिसंबर को भारी बारिश हो सकती है। मुंबई में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगा है। बीजेपी के एक नेता ने उनके खिलाफ यह आरोप लगाया गया कि सीएम ममता बनर्जी ने बैठकर राष्ट्रगान किया है। इसके अलावा बंगाल भाजपा ने भी इस मुद्दे पर बुधवार को बनर्जी पर निशाना साधा। रादौर के गांव कंजून में बनाए जाने वाली चिकन प्रोसेसिंग फैक्ट्री के विरोध में ग्रामीणों ने अनिश्चितकाल धरना शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने कहा कि अगर फैक्ट्री को NOC रद्द नहीं हुई तो हमें गांव छोड़कर यहां से पलायन करना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। जनस्वास्थ्य विभाग में अनुबंध पर कार्यरत 66 ट्यूबवेल ऑपरेटर को विभाग ने बिना नोटिस दिए हटा दिया, जिसके विरोध में ट्यूबवेल ऑपरेटर ने अनिश्चितकाल धरना शुरू कर दिया। साथ ही निर्णय लिया गया कि अगर हटाए गए कर्मियों को वापस नहीं लिया जाता तो यह आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा। भिवानी में सड़कों को बनाते देख लोग खुश तो हुए, लेकिन निर्माण कार्यों पर सवाल उठाए जा रहे। लोगों का कहना है कि जो भी निर्माण कार्यों पर सामान का इस्तेमाल किया जा रहा है वो सभी सामान खराब है। वही दूसरी तरफ लोग निर्माण विभाग से SDO का कहना है कि इस सड़क को लेकर किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी, पानी भी जमा नहीं होगा, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी भी नहीं होगी। रोहतक भिवानी रोड पर भालीगांव के पास दुल्हन को बदमाशों ने 3 गोलियां मार दी, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से दुल्हन को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वही सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर आगे की तफ्तीश शुरू की। फतेहाबाद के धांगड़ गांव में एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है, जिसके देर रात अंतिम संस्कार किया जा रहा था, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने अंतिम संस्कार को रुकवाया। गुरुग्राम में 70 वर्षीय बुजुर्ग की तेजधार हत्या से हत्या कर दी गई है, जिसका आरोप बुजुर्ग के छोटे बेटे पर लगाया गया। वही पुलिस ने मौके पर पहुंच के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हत्या के पीछे प्रॉपर्टी का विवाद बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है। वही पिता की हत्या करने वाले कलयुगी बेटा गिरफ्तार हो चुका है। पैसे की मांग पूरी नहीं होने पर पिता की हत्या की थी। नरवाना में पुराने बस स्टैंड के पास 2 गाड़ियों की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 2 की मौत हो गई, 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल। घायलों का इलाज जारी। भिवानी के गांव तिगड़ाना के पास दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें मां बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। एक युवक गंभीर रूप से घायल है, जिनका इलाज जारी है।
घायलों और मृतकों को भिवानी के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया, साथ ही घायलों को रोहतक पीजीआई में रेफर कर दिया गया। एनआईटी फरीदाबाद के गांव गोंछची में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने दुकान में टक्कर मार दी, जिसमें दो महिलाएं सहित कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना में ट्रैक्टर को दो नाबालिग बच्चे चला रहे थे, पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। फतेहाबाद के हाईवे बाईपास पर सड़क हादसा हो गया, जहां धान से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली और कार की भिड़ंत हो गई। हादसे में एक शख्स घायल हो गया। दिल्ली एनसीआर की आबो हवा लगातार जहरीली होती जा रही है, एक्यू एलर्ट 481 दर्ज की गई। रोहतक में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होती जा रही है और ऐसे में लोगों को बेहद ज्यादा परेशानी हो रही है, एक्यू एलर्ट 403 दर्ज किया गया। गुरुग्राम में वायु प्रदूषण की वजह से दमा के मरीजों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, एयर क्वालिटी इंडेक्स 267 दर्ज की गई। फरीदाबाद में प्रदूषण से लगातार हवा खराब होती जा रही है और लोगों को परेशानी हो रही है, एक्यू लेवल 547 दर्ज की गई। हिसार के एयर क्वालिटी इंडेक्स में अभी भी कोई सुधार नहीं है और लोगों को बेहद ज्यादा तकलीफें हो रही है, एयर क्वालिटी इंडेक्स 317 दर्ज की गई। सोनीपत में एयर क्वालिटी इंडेक्स में अभी भी कोई सुधार नहीं हुआ है, लोग बेहद ज्यादा परेशान है, एक्यू लेवल 338 दर्ज की गई। दिल्ली में पेट्रोल सस्ता हो गया, केजरीवाल सरकार ने जनता को राहत देते हुए पेट्रोल पर लगने वाले वैट में कटौती की। दिल्ली में पेट्रोल 8 रुपये प्रति लीटर सस्ता हो चुका है, जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 95.97 रुपये प्रति लीटर। दिसंबर के पहले दिन ही पेट्रोलियम कंपनियों ने आम आदमी को महंगाई का यहाँ पर बड़ा झटका दिया है। देश में कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 100 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिली। दिल्ली में 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर 2101 रुपये में मिल रहा है, वही कमर्शियल सिलेंडर के महंगे होने से रेस्टोरेंट और खान पान भी महंगा हो सकता है।